देश में बढ़ती महंगाई दर, पेट्रोल डीजल, गैस सिलेंडर, खाद्यान्न के दामों में इजाफा एवं कटौती के बावजूद बढ़ते बिजली बिलों को लेकर स्थानीय कांग्रेस इकाई ने केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की है। लंबे समय बाद में कांग्रेसियों का आक्रोश सड़क पर दिखाई दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ईश्वर चंद दस्तानी के नेतृत्व में कांग्रेस जन बस स्टैंड रोड स्थित कार्यालय पर एकत्रित हुए। यहां उन्होंने सरकार की रीति नीतियों को जन विरोधी बताते हुए महंगाई नियंत्रण में मोदी सरकार को फेल बताया। साथ ही आक्रोश रैली निकालकर महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे से ही बस स्टैंड रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी एकत्र होने लगे थे। करीब एक घंटे बाद रैली प्रारंभ हुई। शुरुआत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या जरूर कम थी, लेकिन मुख्य चौराहे के बाद भीड़ बढ़ने लगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ बताओ, आज कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन दिया है। पूरे प्रदेश में महंगाई बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और पेट्रोल डीजल गैस टंकी गृहिणियों का आज घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, और जिसमें ख़ास तौर से 10,000 रुपये तक की तनख्वाह वाले जो कर्मचारी हैं, जो जैसे फैक्ट्रियों में काम करते हैं या प्राइवेट दुकानों पर काम करते हैं या पेट्रोल पंपों पर काम किया जाता है, ऐसे लोगों को जो किराए के मकान में रहते हैं, ऐसे लोगों को आज अपना घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों की पढ़ाई करें या उनको घर में खाना दें, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये आंदोलन को पूरे प्रदेश में छेड़ा है और हर ब्लॉक स्तर पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं समझता हूँ जहाँ तक कि भगवान राम ने वनवास के लिए निकले थे जब राक्षसों का नाश किया था, और हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आंदोलन को अपना हथियार बनाकर इस देश में आंदोलन के माध्यम से महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास करें। ये आज भारतीय जनता पार्टी देश में और प्रदेश में जो है, इनका सिर्फ छलावा करने का काम है, और छलावा करके अपने पार्टी में किस प्रकार से बनाई जा सकती है उसका आधार मध्य प्रदेश है। मैं चाहता हूं निश्चित तौर से कि इस कांग्रेस पार्टी में जितने लोगों को जाना था वो चले जाएं। निश्चित तौर से अगर कभी हमारे अभी राजस्थान में जो सम्मेलन हुआ है उसमें अगर हम नीचे हर बूथ स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इनको आगे बढ़ाएंगे, निश्चित तौर से कांग्रेस आने वाले समय में सरकार बनाएगी और जनता को लाभ दिलाने का प्रयास करेगी। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।